जी राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आईसीडीएस अधिकारियों के तुगलकी फरमान को खबर दिखाए जाने के बाद वापस लेना पड़ा। सोचिए, बिना बजट के आंगनबाड़ी केंद्रों को 3.5 रुपए में नाश्ता और 4.5 रुपए में खाना उपलब्ध कराने का फरमान जारी किया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद महिला व बाल विकास विभाग ने नए मेन्यू का आदेश वापस ले लिया है और इसके साथ ही जी राजस्थान एक बार फिर सामाजिक सरोकार को निभाते हुए लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुस्कान की वजह बना है। जी मीडिया की खबर का दमदार असर। 3 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाया मुस्कान। खबर दिखाए जाने के बाद मेन्यू का आदेश वापस। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाने वाला पोषाहार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही मुसीबत बन गया है। इतना कम बजट है कि पहले वाला पोषाहार भी पूरा नहीं पड़ पाता। फिर से पुराने मेन्यू का आदेश जारी। एक बार फिर से जी राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। इस बार राजस्थान 3 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुश्किलों का सहारा बना, उसकी आवाज बना। खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ और बिना बजट के भारी भरकम मेन्यू के आदेश को वापस लेना पड़ा। केंद्रों के लिए जारी होने वाला जो बजट है वो उस मेन्यू के साथ में कैसे तैयार किया जा पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लिहाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस वक्त परेशान है। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिया जाने वाला पोषाहार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गले की फांस बन गया था। सोचिए, सालों से पोषाहार के नाम पर जो मेन्यू बच्चों को दिया जाता था उसमें आईसीडीएस ने बिना बजट के बदलाव कर दिया। खबर दिखाए जाने के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों में महज 3.5 रुपए में नाश्ते और 4.5 रुपए में भोजन की व्यवस्था के तानाशाही आदेश को सरकार ने वापस ले लिया। अब फिर से पुराने मेन्यू पर ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई समस्याएं फील्ड में नजर आती हैं, किसी तरह की अगर कोई परेशानी आएगी, सब लोगों से चर्चा करके तो उसमें आने वाले समय में और परिवर्तन भी किया जाएगा। सवाल ये है कि आईसीडीएस अधिकारी गरीब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर तानाशाही फरमान चलाते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आईसीडीएस अधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3.5 रुपए में नाश्ता और महज 4.5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने का जो आदेश जारी किया था उसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। केंद्रों के लिए सी मीडिया ने इस खबर को दिखाया तो महिला एवं बाल विकास विभाग की नींद खुली और फौरन आदेश को वापस ले लिया। अब जरा एक नजर फिर से उस मेन्यू पर डालते हैं जिसमें सरकारी अधिकारी बिना जांच पड़ताल बिना दिमाग लगाए आदेश जारी करते थे। मेन्यू को देखकर कोई भी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि सरकारी बाबू एसी कमरे में बैठकर कैसे कैसे अजीबोगरीब फरमान जारी करते हैं। नया जो मेनू उन्होंने बनाया था वो चेंज कर रहे हैं। वापस से अब जो उन्होंने उस मेनू में बदलाव किया उसमें वापस से फिर से दलिया खिचड़ी का रखा है उन्होंने, फल फ्रूट का भी रखा है, लेकिन उसमें सब में या रखा है, मतलब जरूरी नहीं है कि निश्चित नहीं, उसमें कई तरह की वैरायटी रखी उन्होंने, उसमें से अपन कुछ भी बना सकते हैं। विवाद के बाद महिला और बाल विकास विभाग ने फिर से पुराने मेन्यू को लागू किया। अब बदले हुए आदेश में इसी रेट पर दलिया खिचड़ी या चावल के मुरमुरे या चने गुड़ के साथ दिए जाने का आदेश है। सी मीडिया ने एक बार फिर से सामाजिक सरोकार के दायित्व को निभाया और महिला और बाल विकास विभाग के इस आदेश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत मिली है। लाखों बच्चों को अब स्वादिष्ट और पौष्टिक पोषाहार का इंतजार रहेगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।